राम राम जी सारे ने। उम्मीद है सारे बढ़िया हो गए। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ ऊपर लेके अपनी वो ग्रीन टी, बोला है इसने। बहुत सारे जने पूछे जावा कि इसका नाम क्या है, आप इसको कैसे लेते हो। तो आज की वीडियो में आगे आपने दिख जाओगा कि मैं इसने क्यूकर बनाया करूँ, और अभी ये गर्म है तो मैं अभी इसको पी भी लूँगी साथ साथ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करते हो, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो। तो आज की वीडियो में मैं वो इस सारी चीज़ बताऊंगी। तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो सब तो पहला, और वीडियो ने लाइक कर दियो, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो ताकि वीडियो आते ही आपने नोटिफिकेशन मिल जावे। और मेरी वीडियो करीब 11 से 12 बजे के बीच में, कभी 11:30 के बीच में, जब मेरा काम ख़त्म हो जाए, मेरे को ध्यान आ जाए कि मेरे को वीडियो पोस्ट करनी है, तो मैं उसी टाइम कर देती हूँ। 11 बजे के बाद मेरे सुबह का काम ख़त्म हो जाता है घर का। तो चलो तब ना मेरी वीडियो किसी लागर में भी बता दियो कमेंट करके। मेरी डबल चिंता कितनी कम हो रही है, मतलब इतनी नहीं रह रही जितनी पहले थी, है ना। और इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वह भी आप देख लियो। और आज का मौसम कितना खतरनाक हो रहा है वो भी दिखाऊंगी तुमने। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी, तब तक एंजॉय करते हैं। इसका नाम क्या है, ए फ्रेश कुछ है, मैंने दिखाया है वीडियो में, देख लियो। और इसका लेमन फ्लेवर है। तो भैया है देख लो मेरी ए फ्रेश ग्रीन टी लगा लो इसने, जो भी तुमने समझ में आवे। और या देखो इतनी सी रह रही है, बीच में कई दिन मैंने ली ना थी, पर अब दोबारा जब एक्सरसाइज शुरू करी है तो मैंने आप फिर लेनी शुरू करी। इसमें क्या छोटी सी स्पून आवे और उसने मैं एक चम्मच भर के और इस गिलास में डाल दिया करूँ। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि ये सिर्फ कांच के गिलास में ही लेनी होगा। गिलास ले लो, कप ले लो, कुछ भी ले लो जो भी आपने कांच का मिला है। तो मैंने एक गिलास सा बना रखा है डेली, मैं इसमें ले लिया करूँ इसने। और इसका लेमन फ्लेवर आपने जो पसंद आ वो मंगवा सको, इसमें बहुत सारे फ्लेवर है। इसमें करीब करीब नू लगा लो एक कप पानी आ जाओ, ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं है यो। तो मैं इसमें यो इतना सा पानी डाल दिया करूँ, और फिर इसने अच्छा थोड़ा गरम गरम सा डाल दूँ, फिर ठंडा करके इसका रेड रेड सा कलर हो जावे एक मिनट के बाद। और आज मौसम देखो भी रहना कि जुड़ू धुंध सी हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा था ऊपर में गई जब। फिर मैंने अपने मैट वगैरह रख दिए और 2 मिनट बैठ कर पहला ग्रीन टी पी थी, फिर लागी मैं अपनी एक्सरसाइज करन के। सब तो पहले तो मैंने अपनी रस्सी सुलझाई, आज अब पूरी उलझी पड़ी थी क्योंकि मेरे बालक पूरे एक्सपेरिमेंट करे जावे इसकी गल, और सारे जने मेरे तनु पूछे जावे कि आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हो। तो भाई मैंने अगर आधे घंटे का टाइम लग जाए तो मैं आधा घंटा कर लिया करूँ, 1.25 घंटे का लग है तो 1.25 घंटा, और 15 मिनट का लग है तो मैं 15 मिनट भी कर लिया करूँ, क्योंकि मैंने और भी घर के काम हो गए हैं। और जो जो भी मैं एक्सरसाइज करा करूँ वे सारी आज आपने दिख जाएंगी इस वीडियो में आ गए। इस वीडियो में मैंने कोई भी कट नहीं लगाया है, मैंने सारी एक्सरसाइज जो है 10-10 या 15-15 बार करके दिखाई है। और बाकी आपने जितनी बार एक बार रिपीट दो रस्सी कूदे तय बहुत ज़्यादा मेरे पैर आराम हो गया, क्योंकि जो कर खड़े हो गए बर्तन साफ करे किचन में मैं काम करा करती ना, मेरे पैर इतने भर जाया करते शाम तक, मेरे पाए की हालत ऐसी हो जाया करती कि बस पूछो मत। और कई जने मेरे तक कहे जा कि आप जूते पैर के रस्सी कूदा करो, तो भाई मेरे सुबह सुबह कती ध्यान नहीं रहते जूते पैर का आने, और कुछ है ना मतलब टाइम भी नहीं लगा, पहले जूते पहरूंगी फिर वापस निकालूंगी, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जावे। और सुबह तो बस मेरे नू रहे जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे भी स्कूल भेजने हो, मैं दोनों का लंच एक साथ बना दिया करूँ ना, तो फिर आधे घंटे बाद उसका लंच बनाऊँ। और ये बिछा लिया मैंने अपना मैट, ये शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहला मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लिया करूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से ही हमारे शरीर की जो नस है वे खुल जाऊँगी भाई, अच्छे तो एक्टिव हो जाओगी हमारी बॉडी। जब भी हमने आगे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने स्ट्रेचिंग तो ज़रूर तभी ज़रूर करनी ही चाहिए। और फिर मैं अपनी गर्दन ने घुमाया करूँ एक बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत हो मेरी जो नेक पर फैट है ना इस तरह, मैंने बिरने के एक सुनने मिले कि तेरे थायराइड है, तेरा ये वो है, तेरा वो है, लेकिन मेरे कोई भी बीमारी नहीं है। मैंने इतनी बार चेक करवा लिया, बस एक बार ही सर्वाइकल का दर्द होया था पीछे, जिसकी वजह से मेरी गर्दन में भी थोड़ा मोटा मोटा सा हो गया था, लेकिन अब तो वो भी ठीक हो गया, मेरे सर्वाइकल का भी दर्द नहीं होता। और सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी है इस पर मेरे चैनल पे, आप ये देख सको। और यो पीछे मैं झुकन की कोशिश कर रही थी, इस तक कमर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी सी आ जावे है। और आज हवा बढ़िया चल रही थी तो मैं थोड़ी सी हवा भी ले लूँ बीच बीच में रेस्ट करके, नैनू देखूँ कौन सी एक्सरसाइज करनी है कैसे करनी है। बहुत टाइम लाग जा मतलब सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लागे, चाहे आप किसी भी टाइम कर लो एक्सरसाइज, तो आपने टाइम तो अपने खातर देना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करो।
और फिर है ये वाली एक्सरसाइज जिसमें हम पीछे हाथ लगाते हैं, इससे हमारा साइड फैट कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हो जा है। अरे मैंने कई दिन ना करे ना भाई, जैसे बैठे बैठे रहना, ना कोई खाने पीने का टाइम था, ऐसा वो हो गया था, ना कुछ ढंग का खाना पीना था, तो बहुत मतलब नू लगा लो बुरा फेज हुआ है वो लाइफ में। जब किसी की लाइफ तक कोई चला जावे एक उसका दुख ऊपर तक, कुछ मतलब आप ना ढंग तक खा सकते नहीं पी सकते ना कुछ हो सकता, सारा दिन नू चला जावे है, तो ये वापस से जब मैंने सब रूटीन में लेकर आना पड़ेगा, अपना डाइट प्लान ठीक करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज ठीक करनी पड़ेंगी। तो ये तुम देख सको मैं हर एक्सरसाइज 15-15 बार करके दिखा रही हूँ या फिर 10-10 बार, और आप लोग उस एक्सरसाइज ने अगर आपका मन करे तो 2 या 3 बार रिपीट कर सको हो। जिसने बोला करके रेपिटेशंस लगाए, कितनी रैप लगाए, तो ये चीज़ हुआ करे कि आप 15 बार करके फिर उसने जैसे 20-30 सेकेंड का गैप ले लो, फिर उसके बाद फिर से 15 बार करो, तो वो चीज़ हो गया है रेपिटेशन जिसने ना बेरा हो। फिर उसके बाद मैंने यह वाली एक्सरसाइज करी, इसमें पैर ऊपर लेके जाऊँ भाई, यह एक्सरसाइज करनी कोई आसान बात नहीं है, देखने में लागता होगा पर जब करोगे ना उस टाइम मम्मी याद आ जाओगी, 30 साल हो जाए इस एक्सरसाइज ने करण में, और यह एक्सरसाइज से भी हमारा साइड फैट कम होगा। मेरा बैक पर इतना ज़्यादा फैट हो गया है ना ये कि मैं बता नहीं सकती, मेरा पेट पर इतना फैट नहीं है, मतलब पेट वैसा ही है नॉर्मल जैसा था, बल्कि उससे भी कम बेशक हो गया हो, लेकिन पता ना बैक पर इतना क्यों फैट हो गया, ये साइड के आगे तो पेट कम हो गया और साइड में ये जो ये के बोला करें ना पुट्ठे से या फिर ये साइड के हैंडल जो है ना ये बढ़ गए। फिर उसके बाद मैंने जंपिंग जैक एक्सरसाइज करी, और अगर आप में वेट ज़्यादा है तो आप यह वाली एक्सरसाइज मत करना। और एक हुआ है BMI मतलब बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स की, आपकी हाइट के हिसाब से आप में कितना वेट होना चाहिए, तो वो चीज़ भी आपने पता होनी चाहिए कि आपका ओवर वेट कितना है, लाइक 5 किलो बढ़ा है आपका वेट, 10 किलो बढ़ा है, 20-30 किसी का मतलब 30 से भी ज़्यादा वेट बढ़ जावे, ऐसा हाल भी हो जावे है, तो आप एक्सरसाइज करोगे डाइट लोगे बढ़िया तो जल्दी ही आपका वेट कम होना भी शुरू हो जाएगा और अच्छी आपकी बॉडी हो जाओगी। और मैं हमेशा बताऊं कि वेट पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आपने जो है ना अपने फैट पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा फैट कितना कम हो रहा है, हमारे हम देखने में अच्छे लग रहे हैं या नहीं है, तो हम हमेशा देखने में अच्छे लगने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी में ज़्यादा वेट है तो भाई वो मोटा हो, पतले आदमी में जुकर कह नहीं करे कि हड्डियाँ में वो जाए, वो भरमा शरीर है वो चीज़ होया करे, और ऊपर कहना एक एरोप्लेन जाओ था मैं उसने देखने लग रही थी बार बार, और तो और कोई आदमी मतलब कम वेट हो लेकिन उसका शरीर पूरा भुला भुला हो, तो आपने जो है अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है ना कि वेट पर। तो आज की वीडियो तुमने किसी लागे कमेंट कर दियो, और आगे भी इसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलती रहेंगी, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो पूरी देखा करो, अगर बढ़िया लागे हो कुछ हेल्प मिली हो तो शेयर भी कर दियो किसी के साथ, और आगे भी भला हो जावे मैं हमेशा कहती रहूँ, और क्या बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने है ना। तो भाई लेडीज़ ने स्पेशल अपने मतलब ऊपर ध्यान देना चाहिए, मैं हमेशा मैं लेडीज़ खातर वो कह जाऊँ, कई लोग कह जाऊँ कि आपकी वीडियो तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि हम सोचा करते कि हम सूट में एक्सरसाइज कैसे करें, जब हम सारा काम अपना सूट में करें तो हम अपनी एक्सरसाइज भी सूट में ही करनी चाहिए, और इसमें देख लो कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल कम्फर्टेबल मैं फील कर रही हूँ, बल्कि मैं अगर पजामा पहन के करती तो मैं लगता मैं इस साइड तक दिखूँ उस साइड तक दिखूँ, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी, इस वजह से मैंने अपनी एक्सरसाइज सूट में करनी ही कंफर्टेबल समझी, और ये मैं बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करी, और इसमें अगर आप डायरेक्ट सीधे नहीं बैठ सकते ना तो देखो मैं दिखा रही हूँ, आप दीवार के साथ कमर लगा के बैठ जाना, क्योंकि एकदम तनु पैर आगे करके बैठते आना ना शुरू वाले दिन, इसमें बहुत प्रॉब्लम सी महसूस हो गया है बटरफ्लाई करते टाइम, लेकिन जब आप थोड़ा सा ना कोई भी एक्सरसाइज मतलब शुरू में आप परफेक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करनी पड़े है, बहुत वो हो गया कभी एक्सरसाइज नहीं करनी आती, कभी वैसे ही तो हो नहीं रही, कभी दर्द हो रहा है, तो इन सब और कई बार तो मेरे साथ इतनी दिक्कत आवे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ नीचे मेरी बेटी उठ जावे या फिर बेटा उठ जावे। एक हाउस वाइफ ने ना मतलब खुद का ध्यान रखना था, जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ना किसी ने नहीं करनी पड़ती होगी, सच में हम लेडीज़ की ज़िंदगी इतनी दुख भरी हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस दुख का ना ख़त्म भी हम खुद कर सकें, ठीक है ना, हमने कदे किसी तेन उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई यो मेरे खातर यो करेगा, यो मेरे खातर यो करेगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक जो सीखा है जो करना है ना अपने खातर खुद करो, क्योंकि सच में भाई मैंने मतलब देख लिया कि कोई चाहे आप कितनी भी तकलीफ में उन्होंने बुझना होगा कि तुमने दुख है या कि है,
हम थारी हेल्प कर दे कि हाँ मजे लेने ना जरूर आ जाएंगे, सवाद ले लेके पूछेंगे हाय यो नू हो गया, हाय यो क्यों कर होया। लेकिन तब ने किसी तभी अपने दुख शेयर नहीं करने, सच बता रही, और सुख भी नहीं करने, तब मैंने अपनी खुशी भी शेयर करनी छोड़ दी। पहले तो मैं नुए सकता है कुछ वो बता दिया करती अपनी नॉर्मल लाइफ की बात, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैं मतलब चेंज हो गई हूँ पहले से। और ये सब चीज़ मैंने मेडिटेशन से सीखी है कि आप क्यों अपने दिमाग ने कितना कंट्रोल कर सको, क्यों आप खुश रह सको, दूसरी चीज़ें इग्नोर कर सको। बहुत कुछ सीखा मैंने अपने आप से, और तुम भी सीख सको हो अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दो, और फिर जो मन करे वो आप हासिल कर सकते हो। और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। बाय बाय।